मेरी ही जियो। प्रदोष का इंतजार नहीं मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में शाम के समय पर हम बेलपत्र शमी पत्र चावल समर्पण करें। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदर वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आप सब से यही कहूंगा कि अगर गुरु जी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको किसी भी प्रकार का लाभ हुआ है तो प्लीज कमेंट में आकर अपनी पूरी डिटेल के साथ जरूर बताएं। आप बताओगे तभी दूसरे लोगों को विश्वास होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय गुरुजी ने प्रदोष काल में करने के लिए कहा है। प्रदोष काल का समय शाम का समय होता है। सूर्यास्त होने से 35-40 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 35-40 मिनट बाद तक का जो समय है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। आज का जो उपाय है वह इसी समय के अंतर्गत करना होता है। दूसरा, इस उपाय के लिए आपको एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है। एकांतेश्वर महादेव का मंदिर ऐसा मंदिर जहां कोई भी ना हो आपके अलावा, उस मंदिर में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्री का पत्ता लेना है। बेलपत्री का पत्ता आपको संपूर्ण लेना है, कहीं से कटा फटा हुआ बेलपत्री का पत्ता आपको नहीं लेना। बेलपत्री का पत्ता हाथ में रखकर उसके ऊपर आपको एक शमी का पत्ता रखना है। शमी का पत्ता रखने के बाद एक चावल का दाना आपको रखना है। चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संपूर्ण चावल का दाना लेना है। तीनों चीज को अपने हाथ में रखकर आपको एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है। अपनी कामना का स्मरण करते हुए, आपकी जो मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए, तीनों चीजों को शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाली जगह को टच करवाना है। माता अशोक सुंदरी को एक बार छुआ कर तीनों चीजें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। समर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्री के पत्ते की जो डंडी होती है उस डंडी का मुख हमें अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। जिस साइड से पानी नीचे गिरता है उसी साइड डंडी का मुख आपको रखना है। इस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेकर आता हूं, और गुरु जी से सुनकर उपाय को अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश भी करता हूं।
अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।